अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे आम की मीठी सी चटनी। लेकिन इसे बनाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो ये जो चटनी है हम बनाएंगे कच्चे आम यूज़ करके, और इसे आप किसी भी सालन के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर दो कच्चे वाले आम ले लिए हैं। ये मेरे पास राजापुरी आम है और इसका हम सबसे पहले वेट कर लेंगे। आपके पास जिस भी साइज़ के आम हो आप इसका वेट कर लें। तो ये है तकरीबन 760 ग्राम जितना वज़न हमें इसलिए करना है ताकि हमें शुगर लेने का अंदाज़ा आ जाए। तो जितने आपके आम हो उस हिसाब से आपको शुगर लेनी है। मैंने यहाँ पर 600 ग्राम ली है क्योंकि मेरे जो आम हैं ये अब ज़्यादा कच्चे नहीं हैं, इससे ज़्यादा खट्टे भी नहीं हैं। तो अगर आप खट्टे वाले आम यूज़ करें तो शुगर जो है आप उसी के हिसाब से लें जितना आपका कच्ची कैरी का वेट है। तो ये मेरे पास मेजरिंग स्पून है और इससे मैंने 2 टीस्पून जितनी स्प्लिट की हुई मस्टर्ड सीड्स ले लिए हैं, ये इस तरह के। और ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून जितनी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ये है नमक 1 टीस्पून जितना। तो सबसे पहले हम ये जो आम है इसको धो के हम इसके छिलके निकाल देंगे और हम इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये मैंने ग्रेट कर लिया है, इस तरह का मैंने ग्रेटर लिया था। और अब हम ये सारे मसाले जो हैं ये इसमें डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 1 घंटे तक इसी तरह छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसकी चटनी बनाएंगे। तो 1 घंटा हो चुका है और अब हमें इसे इस तरह से करते हुए निचोड़ लेना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है ये निकल जाए, उसे हमें यूज़ नहीं करना है। तो बहुत अच्छे से मैं इसे निचोड़ लूँगी इस तरह से। और ये पानी जो है इसे हम यूज़ में नहीं लेंगे। तो अब ये सारे आम मैंने निचोड़ लिए हैं, इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चटनी को बनाने के लिए आपको आम जो है ये ज़्यादा खट्टे लेने हैं। अब मैं इसे बहुत अच्छे से चूल्हे पर पका रही हूँ। आपको इस तरह से इसे चूल्हे पर पका लेना है और जैसे जैसे आप इसे पकाएंगे इसमें शुगर जो डाली है ये मेल्ट होना शुरू होगी, इसकी चाशनी सी बनेगी। तो इसे हमें पका लेना है तब तक जब तक कि हमारी शुगर भी अच्छे से गाढ़ी हो जाए और ये जो हमारे आम हैं कच्चे वाले ये पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि शुगर की जो हमने चाशनी बनाई ये बहुत ही पतली है, तो हमें इसे पकाना है तब तक जब तक कि हमारी चाशनी थिक हो जाए और हमारे आम भी जो है ये भी पक जाए अच्छे से। तो ये मैंने पका लिया है और ये चाशनी जो है ये अब थोड़ी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है, तो स्टोव ऑफ कर देंगे और अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। और जब ये ठंडी हो जाएगी तो देखिए थिक हो चुकी है, मैंने इसे ठंडा कर लिया है और कम्प्लीटली इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर आपको इसे किसी भी जार या बॉटल में एयरटाइट कंटेनर में आपको इसे भर लेना है, फ्रीज में रख देना है और इसे आप किसी भी सालन के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो तैयार है बनकर मज़ेदार सी स्वीट सी आम की चटनी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी सच्ची लगती हो तो ट्राई कीजिए इसे और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। जज़ाकअल्लाह खैर।